गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी 4:12 हो रहे हैं। मैं 3:50 पर उठी थी। मेरी बॉडी में इतना दर्द हो रहा है, मैंने पता नहीं। अभी तो मेरे शोल्डर भी दर्द कर रहे हैं, कमर तो दर्द कर ही रही थी। ज़्यादा ही जोरों से एक्सरसाइज कर रही हूँ, इतनी जोरों से एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। Today's notation: forgive others not because they deserve forgiveness but because you deserve peace. Okay. ऐसे मैं काम करूँगी या फिर मिलते हैं आपसे। नथिंग स्पेशल। कुछ लोगों को मज़ा सुनने में मज़ा आता है ना, ऐसे फिर लोग काम कर रहे होते हैं, सेटिस्फाइंग होता है सब। बोलते कब से अपडेट में चल रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया। थोड़ा सा काम किया उसके बाद सोचा चलो अपडेट में लाती होती हूँ। अपडेट लाने के बाद काम शुरू करूँगी। पता नहीं क्या चल रहा है, TPN अपडेट हो रहा है आपके, उसमें रीसेट करना है या फिर करंट। कल मैं पूछ के आई थी कि इसमें विंडो कितने की डली है, बोल रहे थे 300 की डल जाएगी। एक बार विंडो ओरिजिनल उड़ जाती तो फिर पायरेटेड ही डलती है। जब मैं रिलायंस के स्टोर में गई थी जहाँ से लैपटॉप लिया था, तो उन्होंने बोला था कि लाइक खाली अपडेट विंडो को एक्टिव करने के लिए 3000 रुपये लगेंगे। अगर उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवेट कराना होगा, यानी कि जो वर्ड विंड ये पावर पॉइंट ये सब चीज़ होता है, इसके अलग से चार्जेस लगेंगे। अब उड़ गई तो उड़ गई, या पायरेटेड ही सही, कौन लगाएगा तेरे पाओ। वर्कशीट्स पे काम कर रही थी, वर्कशीट्स चेक कर रही थी। सोचा था थोड़ा ब्रेक लूँगी तो लैपटॉप ही। अभी दोबारा से शुरू करते हैं। अभी टाइम बताओ कितना हो रहा है, 6:21 हो रहा है इसको सही से चलने की। अरे दीदी, मेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसा क्यों कर रहा है ये? अभी अपडेट हुआ था तो नौटंकी हो रही थी इसकी, कुछ तो गड़बड़ चल रही है इसमें जो मुझे भी नहीं पता। बंद करके ऑन करूं? नहीं,
डायरेक्ट बंद कर दिया। आज विंडो डला के ले आऊंगी यार, इसमें दिमाग खराब कर रखा है इसने। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं हो सकती, पता है मैं इसमें ये क्या मतलब हुआ इसका। बूट विद करंट TPM डाटा, पता नहीं क्या चीज़ है ये, मुझे खुद नहीं पता। रीसेट होल TPM, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, देर इज एन इशू विद ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। आई डोंट नो ये क्या बोलना चाह रहे हैं। गाइस मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है, सेवई का मम्मी ने जो बनाया है, इसका नाम नहीं मुझे पता क्या बोलते हैं, मिर्ची हो रही बहुत ही, लेकिन इसमें पता नहीं ख़त्म नहीं हुआ है, बट मैंने काम जल्दी ख़त्म कर दिया है तो मैंने लॉग आउट कर दिया है। बहुत ही मिर्ची हो रही है इसमें, और मैं थोड़ी देर ये शो देखूंगी, अगर नींद आएगी तो सो जाऊंगी, नहीं आएगी तो फिर देखते हैं। वैसे तो मुझे आ रही है, मतलब वो सर दर्द होने लग जाता है ना, वो हो रहा है। सो मिलते हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। 5 बज रहे हैं, बजने वाले हैं, मतलब मैं 10 बजे सोई थी, फिर 3 बजे उठी ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और पार्सल वाले भैया, मैंने फ़ोन DND में डाला था, पार्सल वाले भैया ने इतने फ़ोन करे सॉरी पार्सल वाले भैया, बट मेरी नींद ज़्यादा प्यारी है मुझे, क्या बोलते हैं। और मैंने खाना भी नहीं खाया, तो मैं अभी खाऊंगी। मम्मी ने पुलाव बनाया, मैंने सोचा था कि मैं नहीं खाऊंगी, अगर दाल बनाई है तो दाल पीऊँगी, बट मैंने पुलाव बनाया था, मैं पुलाव खाऊंगी। और मैंने शूज़ मंगाए थे तो उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते तब तक। रवा दो मैं ऐसी बेवकूफ़ हूँ, मैं पूरी वीडियो अनबॉक्स करने में लगी हुई रही थी और वीडियो चालू नहीं करी थी, अभी करी। ये शूज़ की बात करी थी मैं, अब अनबॉक्स की क्या ही दिखाऊँ, वीडियो पहन लेती हूँ, तो मैं ऐसी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ, कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। ये पैरों में तो ठीक आ रही है, मतलब टाइट नहीं हो रहा है और ढीला भी नहीं हो रहा है, लाइक फिट बैठ रहा है। ये लड़कियों वाले शूज़ नहीं है, ये मैन सेक्शन हैं गाइस, मैन सेक्शन इज द बेस्ट सेक्शन, वहाँ तुम्हें वेराइटीज़ मिल जाती हैं शूज़। रवा दो, आई जस्ट ऐसे दिख रहे हैं, रवा दो। नहीं दिख रहे हैं, ऐसा तो कुछ बुरा नहीं दिख रहा है, अच्छा है, कलर यूनिक है तो अच्छा लग रहा है। रवा दो ये रहा मेरा लंच, जो कि मैं इतने बजे कर रही हूँ, दिख रहा है, तो अब जो भी है खाना खाओ। जिम के लिए रेडी होते हैं, उससे पहले मैंने अपने आईब्रोज बनवाऊंगी भाई। आखिरी टाइम जब मैं वहाँ गई थी ना उसके सैलून में, तो वहाँ से करवाया था मैंने, और अभी कितना टाइम हो गया, उससे बहुत टाइम हो गया है। ये देखो मेरे हाथ का कट इतना बड़ा है, वो कर रही थी ना मैं, वो रेज़र लगा रही थी, तो हाथ में ऐसे करके वो लेते हैं ना बालों, मतलब कि जो एक्स्ट्रा लगा होता है, बेवकूफ़ जैसी हूँ मैं अभी, खड़ा उसमें लगा रही हूँ और काट दिया गलती से। तो अब रेडी होते हैं, मिलते हैं, रेडी हो गई हूँ मैं, लेट्स गो नाउ, बैक होम गाइस। आईब्रोज बना ली, जैसे लग रहा है ना उड़ी उड़ी सी लग रही है, उड़ी। मैं बाल भी कटवाना चाह रही थी, बट सीधे ऐसे, मतलब यूँ ऐसा होता ना यूँ, तो मैंने बोला कि पहले स्टेप जो है बढ़ने देती हूँ थोड़ा, उन्होंने बोला कि हाँ स्टेप को बढ़ने दो, वरना ज़्यादा लेंथ की कट हो जाएगी, मतलब इतनी लेंथ कटनी पड़ेगी अगर स्टेप नहीं बढ़ने दिए, तो इतने स्टेप बढ़ने दो फिर स्ट्रेट कटवा देना। तो अभी मैंने बाल नहीं कटवाया, वैसे कटवाने थे मुझे भाई, मैंने तो पता आईब्रोज में भी डैंड्रफ है, इतना डैंड्रफ है, क्या करूं, ठीक ही नहीं होता। प्रश्न चंदा मामा ऐसा ऑरेंज कलर का है ना, ये कैप्चर नहीं हो पाता बस, लेकिन ना कि दो के आ गई हूँ, और हमारा MSc का रिजल्ट भी आ गया है, तो अभी मैम पास हो गई, टेंशन मत लो, मैं तो चेक कर दी गई, मैं फेल तो नहीं हूँ। आप लोग भी सोचते हो ना, पढ़ने की वीडियो डालते रहती है और फिर बोलते फेल तो नहीं होंगी, देखो ये कुमाऊँ यूनिवर्सिटी, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये मैं निकाल लूँ सालों बाद, ये पिछले जाड़ों में लेकर आई थी मैं, और मुझे चेक करना है कि ये फेस पर लगा सकते हैं या नहीं। रोज़ वाटर एंड मिल्क बॉडी लोशन लिखा है, तो फेस भी तो बॉडी का पार्ट होता है ना, बताओ ना यार।
मेड इन इंडिया गाइस। फॉर ओनली स्किन, मुंह में लगा सकते हैं इसको? ओ ये क्यों ना भगवान की माला, अच्छा लक्ष्मी के लिए दिवाली। मैं नेटफ्लिक्स में देखना चाह रही थी शो, बट पता नहीं क्या हो रहा है कि एंड्रॉइड सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, वीडियो नहीं चल रही है, और चल भी रही है तो पूरा ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है। आज पता नहीं टेक्निकल इश्यूज होने में को लगे पड़े हैं, कभी लैपटॉप के साथ कभी इसके साथ। आज मैं वीडियो कहीं एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट दिन, यानी कि कल संडे है, देखते हैं कि संडे को क्या करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।